अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इस दुनिया के हर जर्रे में छिपी है खूबसूरती, देख भर लेने से खुश हो जाता है दिल मगर क्या करें, ये तेज रफ्तार जिंदगी हमें छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने ही नहीं देती। लेकिन अब वो लौट रही है जिसने जीवन के 12 साल खोकर भी वो नहीं खोया जो हमने खो दिया है। अपनी मासूमियत, इस बदली हुई दुनिया के नए सफर पे ले आएगी वो सब के लिए इतनी सी खुशी। मम्मी चाय। अरे बच्ची रास्ता देख रही होगी, तुम लोग जाओ ना भाई। जी मम्मी, आकांक्षा संदीप को भी पहली बार मिल रही है वो आज। डॉक्टर ने सबसे मिलने के लिए परमिशन दे दी है। मम्मी दीदी के कपड़े लिए? हाँ दादी, आज मैं दीदी से पहली बार मिलूंगी। जानती हूँ वो मुझे पहचान लेगी ना। बिल्कुल बच्चे। मम्मी टैक्सी आ गई है। ओह अरे संदीप से कहना नेहा का कमरा अच्छी तरह से सजा कर रखे। चलो 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 जाओ। शगुन कल मैके से आ जाएगी, फिर दोनों मिलकर सामान शिफ्ट कर देंगे और नेहा का कमरा भी सेट कर देंगे। ये तो बिल्कुल ठीक है ना। चलो। अच्छा मम्मी फोन रखती हूँ, कोई भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। चल चल। मम्मी 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 मम्मी, पापा का फोन आया था, नेहा को डिस्चार्ज कर रहे। इतनी जल्दी? वो पापा कह रहे थे कि नेहा जिद कर रही थी डॉक्टर से कि उसे घर जाना है वापस, और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर है तो उन लोगों ने इजाजत दे दी। सच? नेहा घर आ रही है? हाँ दादी, डॉक्टर ने कहा है कि घर का माहौल उसके लिए अच्छा रहेगा, वो जल्दी रिकवर करेगी। ओह गॉड, मम्मी उसका कमरा तो हमने ठीक ही नहीं किया। अरे अब क्या होगा, टाइम भी नहीं है। चल चल उसका कमरा ठीक कर दे। चल। अच्छा सुन, डॉक्टर से डिस्चार्ज कब दे रहा है? जी बस 2 घंटे में। क्या अग्रवाल साहब, आपकी बेटी की रिकवरी देख के तो हम डॉक्टर्स दंग रह गए। उसने बहुत अच्छी रिकवरी की है, वरना इस तरह के केसेस में कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। मैंने उसके फिजियोथेरेपी रिपोर्ट्स भी देखे हैं, दे आर परफेक्टली फाइन, ऑल राइट। चिंता मत कीजिए आप। ऐसा ना हो कि नेहा की तबीयत फिर से खराब हो जाए, अभी 4 ही दिन तो हुए हैं। क्यों चिंता करते हैं आप, हम है ना। बस नेहा को साइकोलॉजिकली थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छी बात तो है कि वो शॉक में नहीं है, वो हर चीज को जिज्ञासा से देखती है, एंड दैट्स गुड। उसे आगे भी ऐसा ही करना है अग्रवाल साहब। बस एक बात का ख्याल रखिएगा। जी बोलिए। उसे कोई भी चीज का सदमा ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। गॉड ब्लेस सर, आई जस्ट कम। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नेहा, नेहा कहाँ चली गई? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब दे दिन को से चल बनाए आशिया।
रही है, चुप करने के बाद भी हंसती रहती है, बिल्कुल नहीं बदली वैसी की वैसी। अरे नेहा गोवा से शंख और सीपियां लेकर आई थी, वो भी रख देना। अरे हाँ हाँ दादी, फिक्र मत कीजिए, सब रख दिया है। अरे अक्कू, उसे मत हटाना, वो शगुन का है। सॉरी, मैं हटा देता हूँ, तू जा। ठीक है बेटा, मैं भी चाहती थी कि शगुन अपनी अलमारी खाली करती, लेकिन अब क्या करूँ। हाँ आप भी ना, शगुन समझ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, पापा ने कहा है कि नेहा के सामने कोई रोना धोना नहीं, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है, ठीक है? ओके। और ये सब कहाँ लगा हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। एक मिनट, यहाँ आई है वो दीदी को अभी मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा, वो दीदी यहाँ थी नहीं। और ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे क्लॉक भी अलग थी ना। अरे ऋतिक के पोस्टर अब तक नहीं लगे। और ये तकिए कहाँ थे, याद है? हाँ यहाँ पर। जल्दी जल्दी करो, नेहा आने ही वाली होगी। हाँ मम्मी जी, कर रहे हैं। चलिए अब चलिए माँ, जल्दी कीजिए, कभी भी आ जाएगी। अरे हॉर्न बजा, नेहा आ गई, जाके दरवाजा खोलो जल्दी से। दीदी आ गई, तुम लोग जाओ, मैं आरती की थाली लेकर। चल 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 चल, जल्दी जल्दी। लो भैया पैसे। अरे नेहा, अरे नेहा बेटा, ये छड़ी पर संभाल के बेटा। नमस्ते अग्रवाल जी। नमस्कार, बधाई हो। धन्यवाद। अरे संभाल के बेटा, आराम से। कितना कुछ बदल गया। जब तू पैदा हुई थी ना, तब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, 26 साल बीत गए। पहचाना? बिल्कुल अंकल टाइप हो गई हो।
मम्मा बिहारी जी की कृपा से लाख लाख शुक्र है। मम्मा नहीं, अरे छोटा सा लगाने दे। देखो तो अब भी चिढ़ती है। तेरी आदत नहीं गई अब तक। अरे नेहा संभाल के। नेहा नेहा बेटा ये छड़ी लो, डॉक्टर ने बोला है ना। चलो मोटू भैया, मोटू भैया आपकी शादी हो गई। ये वो भाभी, तेरी भाभी है ये। शगुन अपने घर गई है सूरज के साथ, मेरा बेटा। तो क्यों डरे? उसे पता नहीं था ना तू आने वाली है, नहीं तो सब यही होते। नहीं नहीं तू कच्चा नींबू इधर। तू इतनी जल्दी दीदी और एकदम ऐसा लग रहा है कि मुझे तुझे दीदी बोलना पड़ेगा। ठीक है मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ। दीदी वैसे तो हम आपसे मिलते थे लेकिन आपकी आवाज सुनने को तरस गए थे। मैं आ गई हूँ ना, मैं इतना बोलूंगी इतना बोलूंगी इतना बोलूंगी तुझे बोर कर दूंगी, तुझे मैं सबको बोर कर दूंगी। गलती कर दी। अच्छा उसे पता मैं ठीक हो गई हूँ। किसे? उसे? क्या हुआ? कुछ नहीं मामा। चल बेटा आ जा बैठ जा। बता तू क्या खाएगी? मैं खीर खाऊंगी, गुड़ वाली जो दीदा बनाती। दीदा कहाँ है? दीदा मुझसे मिलने नहीं आए। दीदा? नेहा, नेहा दीदा नहीं आ सकती। दीदा मर गई? अरे मरे मेरे दुश्मन, जब से आए मेरी याद नहीं आई। दीदा? अरे बेटा संभाल के। गुस्सा हो? दादी मिलने नहीं आई इसलिए? दादी नहीं आ सकती थी इसलिए तो भगवान ने तुम्हें भेजा है मेरे पास। 12 साल बाद ही सही। नेहा बेटा हमारी दादी के पैर ठीक नहीं है इसलिए चल नहीं सकती। आपके कितने सारे वाइट बाल हो गए, बुढ़े लग रहे हो। अच्छा बता घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, बता बता। जवाब है
पलटा नहीं, इसलिए अगर पलटा होता तो ना पान सड़ता और घोड़ा अड़ता। दीदा मुझे आपकी पहले समझ नहीं आती, आप हर बार मुझसे पूछते हो, हमेशा हार जाती। अरे नहीं बच्चे, तू हारी नहीं है, जीती है। अपनी किस्मत को पलटकर, हालात को फेरकर बच्चे तुम अपने घर लौट आई हो। जानती है मुझसे ज्यादा पहली आग तूने बुझाई है, है ना? मेरा बच्चा। बहुत मिस किया तुम। मैंने भी। अरे बेटा तुम थक गई हो, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। नहीं मैं दीदा पास सोऊंगी। अच्छा अच्छा मेरे पास सो जाना। मैं नहीं सोऊंगी। क्यों? अगर मैं नहीं उठी तो? बारह साल में कोमा में सोती रही और सब कुछ बदल गया। अगर मैं फिर से सो गई और मैं नहीं उठी तो? मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं सोना। सीता, आपके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आ रही। बदमाश। मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं। वो तो लाइट जली देखी तो चली आई। चलिए मम्मी आपको नाश्ते के लिए बुला रही। अरे आपकी खीर भी तैयार। मुझे नहीं खानी। दीदी सब वेट कर रहे हैं आपका। दीदी आपको मैं कितनी बदल गई हूँ ना, मतलब मैं ऐसे टॉल हो गई हूँ और मेरी आईज, मेरा नोज, सब कुछ एकदम, लेकिन आप बहुत प्रिटी। सच्ची मुच्छी प्रॉमिस प्रॉमिस। आपको वो 29 का हो गया होगा ना? कौन? अमन और कौन?
कैसा दिखता है। अच्छा वो अभी इधर ही रहता है तो चलो से मिल के आते दीदी। अभी हाँ चल अभी तो आप आई है तो क्या होगा चल ना। नहीं दीदी मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे और अभी आप कमजोर है। नहीं हूँ खाना खाकर दवाई लेकर सो जाएगी प्लीज। हाँ सो बोरिंग चल ना। सॉरी दीदी लेकिन हम अभी नहीं जा सकते आप जल्दी से आ जाइए। मैं तो अच्छी दिखती हूँ। वो कैसे दिखता होगा? दीदी जब से आई है उनके बारे में मुझसे दो बार पूछ चुकी है। अच्छा नीता मैंने सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद भी दीदी अमन के बारे में ऐसे सोचती है। और तुझे पता है वो मुझसे पूछ रही थी कि शादी हो गई है उसकी। बोला नीता क्या जवाब दूं मैं दीदी को। पापा आप फिक्र मत कीजिए सारी पेमेंट्स हो जाएंगी। हाँ बेटा। सुनी जी मुझे घर में पूजा रखवानी है आप लोग ना मुझे उसके लिए पैसे दे देना। अभी पूजा कराने की क्या जरूरत है सुनीता नेहा को पूरी तरह से ठीक हो जाने दो उसके बाद पूजा करा लेंगे। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ना तो हम बड़ी पूजा करवा लेंगे। मैं सभी रिश्तेदारों को बुला लूंगी। अभी तो वो सही सलामत घर आई है इस बात के लिए ना बिहारी जी को मुझे धन्यवाद करना। ठीक है बाबा तुम पूजा करा लो। अरे अक्कू जाओ दीदी को बुला के लाओ उसे भूख लगी होगी। जी पापा जाओ भाग के जाओ भाग के जाओ। दीदी 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 कहाँ चली गई। के बाद भी फोन है मुझे भी चाहिए। ले बेटा ये राम प्रसाद जी को दे रहा ठीक है। पितरी काका की दुकान बेटा याद करके दे रहा तू भूलना मत भूल नहीं, नहीं। जा भाग भाग जल्दी जा जल्दी जा। ये वाली आइसक्रीम प्लीज। हां हां अभी देता हूं ये लीजिए पैसे पापा से ले लीजिए। थैंक यू। तू जानता है उसे। नहीं उसके पापा को। नहीं। अरे भोंदू जा दौड़ के पैसा लेकर आओ। सच्चा भाग भाग लड़की रुक रुक हाथ हुई चोर रुक।
सॉरी अंकल,